पटना से चलकर दिल्ली जा रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास पहिए जाम होने से दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट बाधित हो गया। रेलवे ट्रैक पर चलने वाली कई एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे के अधिकारियों ने लूप लाइन के जरिए आगे के लिए रवाना किया। वहीं करीब 4 घंटों बाद ट्रेन में आई खराबी को ठीक कराते हुए रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि पटना से चलकर दिल्ली जा रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में सुबह करीब 6 बजे हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास खराबी हो जाने के चलते ट्रेन के पहिए जाम हो गए। एक्सप्रेस ट्रेन के पहिए जाम होने से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट पर चलने वाली कई एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों को लूप लाइन के जरिए आगे के लिए रवाना किया। वहीं करीब 4 घंटों बाद संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में आई खराबी को ठीक कराते हुए 10 बजे ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। क्या नाम भैया आपका? नाम विश्वजीत कुमार मंडल। कहाँ जा रहे थे? यहाँ दिल्ली जा रहे थे। ये लगभग 1 घंटा से यहाँ खड़ी हुई है, इंजन खराब के कारण चक्का जाम था। क्या घंटे हो गए इसे खड़े हुए? लगभग मैं 1.5 घंटा हो गया खड़े हुए गाड़ी को। जी तो इंजन लग गया? दूसरा नहीं लगा? दूसरे इंजन लग गई है, पीछे हाथरस से आई है इंजन, वो लगी हुई है। अच्छा, और खींच के ले जा रही है। तो ये पटना से दिल्ली जा रही थी? पटना से दिल्ली जा रही थी, संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति है।